हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ एसीज के बारे में। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो फाइनली वीडियो बन रहा है। आई एम सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, बट स्टिल MHI लवर जो हैं वो मुझे माफ़ कर देंगे। दोस्तों, MHI के AC बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही हाई परफॉर्मेंस देते हैं, जबकि पावर सेविंग के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। इनके 1.5 टन की मशीन 5 से 6 एम्पेयर के बीच में चलती है, जबकि आपने देखा होगा बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनके एम्पेयर 5.5 से लेकर 7 एम्पेयर तक जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पावर एफिशिएंट होते हैं। और दोस्तों, MHI के जो AC होते हैं वो किसी भी और कंपनी के AC आप ले लो, जैसे 1.5 टन का ले लो, तो इनका 1 टन का AC उतना काम कर देता है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स और टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिनकी वजह से हाई परफॉर्मेंस मिलती है। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के AC की सीधी टक्कर होती है जनरल से, क्योंकि अगर हम एयर कंडीशनर के मास्टर्स की बात करें या टॉप कंपनीज़ की बात करें, तो जनरल का नाम आता है और फिर मित्सुबिशी का नाम आता है। तो यानी कि दोनों में हेड टू हेड चलता है हमेशा, लेकिन मित्सुबिशी जनरल से एक कदम आगे है, क्योंकि इनमें आपको पावर सेविंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। जबकि जनरल के AC आप सब जानते हो कि पावर कंज्यूमिंग होते हैं। हाँ, काम वो बहुत अच्छे से करते हैं, कूलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आता है जनरल के AC लगाने के बाद। लेकिन मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ का अगर आप AC लगा लोगे तो बिल भी कम आएगा और कूलिंग भी प्रॉपर मिलेगी। और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जापान से बिलोंग करती है और ऑलमोस्ट 150 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। एयर कंडीशनर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी बनाती है, लेकिन एयर कंडीशनर में भी किसी से पीछे नहीं है। सबसे अच्छे एयर कंडीशनर आप कह सकते हो कि वर्ल्ड क्लास एयर कंडीशनर बनाती है MHI। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के AC इंडिया में नहीं बनते हैं, वो टोटली थाईलैंड में बनते हैं और वहाँ से पूरा का पूरा AC ही इंपोर्ट होके आता है। इनका कोई यूनिट नहीं है इंडिया में जहाँ पर असेंबल होते हों, या आपको AC के ऊपर कोई मेक इन इंडिया का टैग मिल जाएगा। पूरा AC इंपोर्ट होके आता है और कंपनी डायरेक्टली इंडिया में नहीं है, IAPL ग्रुप है एक, उसके थ्रू इंडिया में इनके ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि सेल्स भी उनके थ्रू है और सर्विस भी उनके थ्रू है। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ में आपको सभी तरह के ACs मिल जाएंगे, कैसेट मिल जाएंगे, VRB मिल जाएंगे, स्टैंडिंग वाले मिल जाएंगे जो कि टावर वाले होते हैं, या फिर आपको स्प्लिट ACs भी मिल जाएंगे और विंडो ACs भी मिल जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ रेजिडेंशियल में, तो आपको विंडो और स्प्लिट दोनों मिल जाएंगे। विंडो में इनका एक ही मॉडल आता है जो कि नॉन इन्वर्टर है, उसमें कैपेसिटी आपको 1 टन 1.5 टन 2 टन मिल जाएगी। और साथ ही में अगर मैं बात करूं स्प्लिट ACs में, तो स्प्लिट ACs में पूरी रेंज है इनके पास, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी कैपेसिटी का AC ले सकते हो। स्प्लिट ACs में अभी इन्होंने इको स्मार्ट हाइब्रिड प्लस टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाती है एयर कंडीशनर को, 47% तक पावर सेविंग करती है। और MHI के AC सारे के सारे AC 410A गैस के साथ आते हैं, जो कि ग्रीन गैस है, इको फ्रेंडली गैस है। और दोस्तों, इनके अंदर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा फीचर नहीं है किसी और ब्रांड में जो इनमें ना हो। सेल्फ डायग्नोसिस हो गया, 4-way कूलिंग हो गई, एयर फ्लो। दोस्तों, कुछ मॉडल MHI के ऐसे हैं जिनका 50 फुट तक का एयर फ्लो है, तो आप कह सकते हैं कि मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज है तो हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट भी बनाता है। और दोस्तों, इनका जो ब्लोअर होता है इंडोर का, वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और उसका डिज़ाइन कुछ ऐसे किया हुआ है कि वो स्पीड बेशक कम चले लेकिन हवा बहुत ज़्यादा फेंकता है, उसको ये जेट टेक्नोलॉजी कहते हैं बेसिकली। तो उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसकी मदद से एयर फ्लो बहुत ज़्यादा आता है और दूर तक आता है। कॉइल्स की बात करें तो 100% कॉपर के कंडेंसर और कूलिंग कॉइल लगाती है कंपनी, और इसमें सेल्फ क्लीनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये ऑप्शंस तो सारे हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल चूज़ करते हो, क्योंकि सभी मॉडल्स में कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं और कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनमें सभी फंक्शंस होते हैं लेकिन वो मॉडल थोड़े से महंगे होते हैं। और वैसे भी जो मित्सुबिशी के ACs हैं वो बाकी कंपनियों से थोड़े से महंगे ही होते हैं, क्योंकि अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस एक AC से 1.5 गुना मिल रही है आपको, हाई परफॉर्मेंस है। अगर आप 10x10 के कमरे में एक इनका 1.5 टन का AC भी लगा लोगे तो चिल्ड कर देगा, और किसी और कंपनी का 1 टन का AC भी सफिशियंट नहीं कर पाएगा, इतनी कैपेबिलिटी है MHI के ACs में। तो क्वालिटी की बात हो गई, परफॉर्मेंस की बात हो गई, और बात हो गई पावर सेविंग की भी, तो सभी स्टेप्स के ऊपर 10/10 है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़। लेकिन दोस्तों, कौन एक बहुत बड़ा है MHI के साथ, वो है इनकी सर्विस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि MHI डायरेक्टली इंडिया में नहीं है, एक ग्रुप है
जिसके थ्रू इनके ऑपरेशंस इंडिया में चलते हैं और इनके जो यूनिट्स हैं वो भी टोटली इम्पोर्टेड हैं। तो यहाँ पे इनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का पंगा पड़ जाता है क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होते हैं। और सर्विस सेंटर की अगर बात करूँ तो वैसे तो सर्विस सेंटर बहुत हैं लेकिन दोस्तों कोई अथोराइज सर्विस सेंटर नहीं है, यानी कि कंपनी का डायरेक्ट अगर रोल ही नहीं है इंडिया में तो डायरेक्ट सर्विस सेंटर भी कहाँ से होगा। तो वो ग्रुप है जो IAPL वो ही सब कुछ हैंडल करता है, उन्हीं के बैनर के नीचे सब कुछ चलता है और जो सर्विस सेंटर हैं वो ठेके पर दे रखे हैं लोकल को ही। तो वो किस तरह से काम करेंगे आप सब जानते ही हो, इतनी हैवी मशीन है, इतनी हाई परफॉर्मेंस के साथ आती है, हाई क्वालिटी के साथ आती है, लेकिन जो इनके मैकेनिक्स हैं जिनको ये कंपनी ट्रेंड बोलते हैं वो एक्चुअली लोकल होते हैं और वो मशीन का सत्यानाश कर देते हैं। यानी कि अगर आपने 60-70 हज़ार रुपये लगा रखे होते हैं वो कूड़ा हो जाती है कई बार। और इनके जो कस्टमर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं सर्विस का रिव्यू, बिल्कुल जीरो रिव्यू देंगे आपको। अगर आपको मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज का एसी लेना है तो तभी लें जब आपके पास कोई अच्छा मैकेनिक ऑलरेडी हो जो उस मशीन को टेक केयर कर सके। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के भरोसे सर्विस चाहिए तो आप मेरी माने तो MHI का AC मत लीजिए, क्योंकि आपको अप टू द मार्क नहीं मिलेगी सर्विस और आप बाद में परेशान हो जाओगे क्योंकि आपने पैसा बहुत ज़्यादा लगा रखा होगा और सर्विस आपको उस हिसाब से नहीं मिलेगी। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि MHI ACs के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्मेंस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो आफ्टर सेल सर्विस के साथ है और हमें सिर्फ कंपनी से ही सर्विस लेनी है। तो आप तैयार हो जाइए कि आप परेशान होंगे और आपका AC ठीक नहीं भी होगा कभी कभी और आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी और बाद में आप ये कहोगे कि MHI के AC बहुत बेकार होते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है दोस्तों। MHI के AC बेकार नहीं होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हालांकि इनके कोई प्रोडक्ट ख़राब होते ही नहीं हैं वैसे तो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ख़राब हो जाती हैं कई बार पावर के फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ ख़राब हो गया या फिर किसी अनट्रेंड इंजीनियर ने कुछ मिसहैंडलिंग कर दी उसकी वजह से कुछ ख़राब हो गया। लेकिन जो भी हो जाए हरजाना तो कस्टमर को ही भुगतना पड़ता है और बाद में वो सर्विस पे जाएगा तो सर्विस वाले और भट्टा बिठा देते हैं क्योंकि। तो दोस्तों आप इस चीज़ को कंसीडर पहले करें, अगर सर्विस का जुगाड़ है आपके पास अपना और आपको पता है कि हाँ आपका टेक्नीशियन MHI के AC को हैंडल कर लेगा तो ही MHI को हाथ डालें, वरना MHI के AC से दूर रहें। बहुत सारे ऐसे और भी चॉइसेस हैं हमारे पास जो सस्ते भी आते हैं और एफिशिएंट भी होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।